ऑल जे एंड के स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ द डेफ जो स्टेट एसोसिएशन है वो पिछले बहुत सालों से ये एसोसिएशन काम कर रही है, पर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कुछ एसोसिएशन्स हैं उन्होंने एप्लीकेशन की हुए रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज़ को कि हमने उनको ऑल जे एंड के एसोसिएशन ऑफ द डेफ एसोसिएशन को कहा है कि जब तक हमारे यहाँ से कुछ प्रोसेस चल रहे हैं हमें अपने साथ एफिलिएशन कीजिए क्यों हम भी अपने हुनर को आजमाना चाह रहे हैं। हमने उस ऑल जे एंड के स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ द डेफ जनरल सेक्रेटरी को एक एप्लीकेशन भेजी एनओसी के लिए, उन्होंने हमें एनओसी के लिए नो किया। देखिए यहाँ पे इतने सारी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशंस है, बड़गाम है, बारामूला है, क्या कहते हैं इसको, श्रीनगर है, कुपवारा है, बांडीपोरा है, गांदरबल है, कि हम ये तो इलेक्शन करने के लिए गए हैं जम्मू, हमें तो पता ही नहीं, हमें तो इन्फॉर्म ही नहीं। इतने सारे अगर 10 बंदे 20 बंदे भी वहाँ पे गए हैं इलेक्शन करने के लिए, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? फिर हमें भी सोसाइटी में एक जगह होनी चाहिए, हम भी स्पोर्ट्समैनशिप है, हमने भी नेशनल खेले हुए हैं यहाँ पे, ये इनका कहना हो। इनसे आप पूछिए कि इस जमाने में उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ये एसोसिएशन जो है हम आपको ये नहीं करेंगे, मायूस नहीं करेंगे, क्योंकि जो एसोसिएशन ये है ऑल जे एंड के एसोसिएशन, हाँ आप इसके अंदर सपोर्ट्स एक्टिविटी से पूछे आप डिमांड ये कह रहे हैं कि हमें अपना हक चाहिए, अपने रूल्स जो रूल्स हैं रूल्स के हिसाब से इलेक्शन होने चाहिए और कुछ नहीं चाह रहे हैं जो इलेक्शन करने वाले लोग ये जो क्या कहते हैं इसको ऑल जे एंड के एसोसिएशन ऑफ द डेफ के मेंबर्स हैं वो भी डेफ है, वो भी एक ही कैटेगरी के, वो डेफ म्यूट्स है, वो भी स्पोर्ट्समैन ये स्पोर्ट्स एसोसिएशन है। ये चाह रहे हैं कि जैसे वो है वैसे हम भी हैं, हम अपने हक से किसी